नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ वर्टिन टैबलेट के बारे में, जिसको मैन्युफैक्चर करती है एबॉट इंडिया लिमिटेड। तो जानते हैं दोस्तों ये टैबलेट किन किन समस्याओं में काम करती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या रहती है, और साथ ही जानेंगे इस टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट में मौजूद साल्ट की बात करें तो वो है बेटा स्टेन। प्रमुख रूप से इस टैबलेट का इस्तेमाल मेनियर रोग में किया जाता है, जिसमें टिनिटस की समस्या, कान बजता है उसमें घंटी जैसी आवाज़ आती है, मरीज सुनने की क्षमता खो देता है, कान में अजीबोगरीब और सनसनी जैसी आवाज़ आती है। इसके अलावा बार बार चक्कर आने की समस्या, जी मचलने की समस्या में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों ये टैबलेट अंदरूनी हिस्से में रक्त प्रवाह में सुधार करती है, जिससे वहाँ होने वाले अतिरिक्त तरल का दबाव कम होता है, जिससे संबंधित समस्याओं को ठीक होने में मदद मिलती है। अब जानते हैं वर्टिन टैबलेट की डोज क्या रहती है। कंडीशन के अनुसार इसकी डोज अलग अलग रहती है, लेकिन डॉक्टर आपको 8 mg या फिर 16 mg की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं, या फिर कुछ परिस्थितियों में 24 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अस्थमा, पेट में अल्सर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस टैबलेट को लेने से पहले आप डॉक्टर से बात करें। गर्भावस्था में और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों आखिर में जानते हैं वर्टिन टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से सिर दर्द, जी मचलना, उल्टी, मतली, पेट में दर्द, इनडाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट भी हर किसी में नहीं होते हैं, महज कुछ मामलों में ही देखे जाते हैं। अगर आपको कोई विपरीत परिणाम दिखता है तो आप डॉक्टर से बात करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।